आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ वाटर। मेटल और वाटर का रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है। तो मेटल प्लस वाटर से दो तरह का प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहला प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड और बनता है मेटल का ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हम जैसा देख रहे हैं हम लोग यहां दो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है और मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्ट है वो मेटल से कैसे आता है ये डिपेंड करता है मेटल का नेचर कैसा है। ओके ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। मींस अगर आपका मेटल्स बहुत हाई रिएक्टिव है तो देखेंगे कि वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है जैसे कि सोडियम पोटासियम लिथियम वगैरह। जबकि वही दूसरी तरफ अगर बहुत लो रिएक्टिव मेटल्स है एल्युमिनियम वगैरह है तो ये मेटल का ऑक्साइड में कन्वर्ट होना पसंद करता है। आयरन वगैरह आयरन एल्युमिनियम जिंक ये सब मेटल का ऑक्साइड बनाता है। ओके तो हम लोग इसको एग्जांपल लेकर समझते हैं। इसमें एक चीज और समझने जैसा है कि ये वाटर जो है इसका कंडीशन कैसा होना चाहिए, वाटर का स्टेट कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं मेटल के रिएक्टिविटी। देखिए मेटल का दो नेचर यहां काम करता है। एक तो मेटल का नेचर कैसा है मींस कौन सा मेटल है और दूसरा जो पॉइंट होता है मेटल का रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ओके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि पानी का कौन सा टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी पे क्या डिपेंड करता है ध्यान से देखिएगा। वाटर जो होता है वाटर आइदर कोल्ड हो रूम टेम्परेचर पे हो रूम टेम्परेचर या फिर हॉट हो और इवन स्टीम हो ये जो पानी का चार अलग अलग टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं। कोल्ड मतलब ठंडा पानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर लगभग वो 70-80 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम होता है। इन चारों कंडीशंस पे वाटर का ये चार अलग अलग टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब है अगर रिएक्टिविटी मेटल का चेंज करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा। इसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके अब हम लोग मेटल का एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी का मेटल का एग्जांपल लेते हैं वाटर के साथ और देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेटल का रिएक्टिविटी के आधार पर रिएक्शन होता है तो हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं। कौन कौन सा एग्जांपल लेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स जानते हैं आप लोग क्या होता है। एक होता है पोटासियम और दूसरा है सोडियम। ये बहुत हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है। इनका हाई रिएक्टिविटी की वजह से किस तरह का वाटर के फॉर्म से रिएक्ट करता है तो सोडियम पोटेशियम जो होता है वो बिल्कुल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैसा होता है कोल्ड वाटर के साथ चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओके तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल सोडियम का। सोडियम एने ये कैसा है भाई सॉलिड स्टेट में। इसके साथ वाटर का एग्जाम्पल लेंगे H2O। अभी चूंकि टेम्परेचर कम है तो ये कोल्ड वाटर लिक्विड फेज में रहेगा। इसके रिएक्शन से क्या बनेगा इसके रिएक्शन से बनता है मेटल का हाइड्रोक्साइड मींस Na का हाइड्रोक्साइड NaOH NaOH। ये क्या हुआ सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया और साथ में क्या बनता है इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है H2 ये गैसेस फॉर्म में रहता है। ठीक है अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम के साथ क्या होगा तो पोटेशियम बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन देता है क्योंकि पोटेशियम और सोडियम का रिएक्टिविटी एक ही जैसा होता है। तो Na की जगह हम लोग लिखेंगे पोटेशियम मींस के कैसा स्टेट है सॉलिड इस पर क्या लिखेंगे H2O लिक्विड स्टेट में लिखेंगे और इससे क्या बनेगा पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH प्लस क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2 गैस निकलेगा। ओके सोडियम और पोटासियम का वाटर के साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है वो काफी वायलेंट और विग्रस होता है। ये इतना विग्रस होता है कि इसके मिलने से आग लग जाता है। आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर के साथ जब सोडियम रिएक्ट करता है तो किस तरह का रिएक्शन होता है। ओके इसमें आपको आग दिख रहा होगा जो वाटर के सर्फेस पे सोडियम है उसमें आग दिखाई दे रहा होगा। ओके ये काफी विग्रस होता है वायलेंट केमिकल रिएक्शन होता है। इसी कैटेगरी में हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम का। इसे सी मान लिया जाए सी कैल्शियम सॉलिड अगर इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है ये क्या बनाता है हाइड्रोक्साइड CaOH2 और साथ में क्या निकलता है साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसमें क्या अलग डिफरेंस है क्या डिफरेंस वाला चीज है इसमें इसमें यह होता है कि सोडियम और पोटासियम के कंपैरिजन में कैल्शियम उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है इसलिए बिल्कुल ठंडा पानी से रिएक्ट करेगा और रूम टेम्परेचर वाटर से भी रिएक्ट करेगा। तो मैं यहां लिख दूं ये जो H2O और H2O लिक्विड है सोडियम पोटासियम केस में ये कोल्ड वाटर के साथ करता है कैसा कोल्ड वाटर के साथ जबकि कैल्शियम जो होता है वो वाटर में रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर।
ओके ये रूम टेम्परेचर पर रिलेट करता है, लेकिन इन तीनों के केस में आपका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। सेम क्या होता है, तीनों के केस में हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम के केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम में पोटासियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम स्पेशल केस होता है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ अलग प्रोडक्ट देता है और स्टीम के साथ अलग प्रोडक्ट देता है। देखते हैं Mg सॉलिड मैग्नीशियम H2O वाटर लिक्विड, लेकिन लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसका खासियत क्या है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ओके इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और साथ साथ मिलता है हाइड्रोजन गैस H2 गैस। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं हॉट वाटर से तो वो फ्लोट क्यों करता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट के साथ जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस का बबल्स चिपक जाता है मैग्नीशियम के सर्फेस पे और वो बबल्स की वजह से वाटर के सर्फेस पे फ्लोट करता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेकेंड क्या है, यही मैग्नीशियम मेटल को जब हम लोग स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और होता है Mg सॉलिड H2O। यहाँ चूंकि स्टीम है तो हम स्टेट में इसके लिए गैस का यूज करेंगे G। नीचे लिख देते हैं स्टीम, स्टीम इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये साथ में देता है हाइड्रोजन गैस H2। ओके हाइड्रोजन गैस, ये हो गया एग्जांपल मैग्नीशियम का। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा ऐसा मेटल का एग्जांपल जो हमेशा ऑक्साइड ही देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल ऑफ वाटर का रिएक्शन जिसमें लो रिएक्टिव मेटल्स का एग्जांपल लेंगे। कैसा एलिमेंट का एग्जांपल लेंगे, कैसा मेटल्स का एग्जांपल लेंगे, लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। ओके जैसे कौन कौन सा मेटल हो सकता है लो रिएक्टिविटी में, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे एल्यूमिनियम जिंक और आयरन का। किसका किस एग्जाम्पल लेंगे, एल्यूमिनियम का लेंगे, जिंक का लेंगे और Fe यानी कि आयरन का एग्जाम्पल लेंगे। इसमें एक बात और याद रखने वाली चीज है, इसमें जब भी रिएक्शन होगा तो वाटर का कौन सा फेस से रिएक्शन होगा, वाटर का गैसियस फेस से रिएक्शन होगा, मींस स्टीम के साथ। ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। अब हम लोग एग्जांपल देते हैं किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम Al रिएक्ट करता है H2O के साथ। ठीक है, H2O मींस गैस, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इन सभी केसेस में मेटल का ऑक्साइड बनना है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो होता है Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जरा से बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे, यहां देखिए एल्युमिनियम दो दिखाई दे रहा है, यहां पे दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन तीन है। अब देखिए बैलेंस करने का तरीका, यहाँ तीन है तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तीन आपका क्या हो गया, देखिए तीन ऑक्सीजन हो गया, थ्री टू या सिक्स हाइड्रोजन, यहाँ थ्री कर दिए, ये सिक्स हाइड्रोजन हो गया। इसमें मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ H2O गैस है, स्टीम, हालांकि गैस से समझ में आता है फिर भी डिटेलिंग के लिए थोड़ा लिख देना अच्छा होता है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल किसका लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिंक का, Zn, Zn सॉलिड, इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं H2O, ये भी गैस स्टेट में है, गैस स्टेट, नीचे स्टीम लिख दिया जाए, स्टीम। ओके तो क्या प्रोडक्ट होगा, जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है गैसेस स्टेट में तो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2। ओके हाइड्रोजन कैसा है, गैस है, हाइड्रोजन कैसा है, यहां भी गैस है, इसे भी बैलेंस कर लिया जाए, जिंक एक दिखाई दे रहा है, जिंक एक दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ये ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए एग्जांपल लेते हैं थर्ड, किसका एग्जांपल लेंगे अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं आयरन का। थर्ड आयरन Fe, आयरन सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करता है H2O के साथ गैसेस स्टेट में वाटर का, नीचे स्टीम लिख देते हैं, स्टीम क्या बनता है, तो आयरन का जो ऑक्साइड बनता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, सॉरी Fe3O4, Fe3O4। ओके और साथ में क्या बनता है, H2 हाइड्रोजन का गैस, इसे बैलेंस कर लिया जाए। देखते हैं यहां कितना आयरन दिखाई दे रहा है, तीन, तो यहां हम तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन आयरन, आपके पास ऑक्सीजन कितना है, चार, और यहां ऑक्सीजन कितना है, एक, तो इसे चार से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चार ऑक्सीजन हो गया,
फोर टू जो एट हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ फोर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका एट हाइड्रोजन। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि मेटल और वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें दो तरह का प्रोडक्ट मिल सकता है, एक प्रोडक्ट आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड हो सकता है, दूसरा मेटल का ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड कौन कौन देता है, तो यहीं पे लिख देते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट। किस तरह का? हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट जो होता है वो मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है। आपकी मेटल का ऑक्साइड कौन देता है? लो रिएक्टिव मेटल्स जो होता है वो मेटल का ऑक्साइड देता है। ठीक है,